हर रोज हम इंटरनेट से जुड़ा हुआ है। आज इंटरनेट हमारा जिंदगी में कितना इम्पोर्टेंट है आपको तो पता होगा। आज हम जो मोबाइल में वीडियो देख रहे हैं, इंस्टाग्राम पर रील्स देख रहे हैं, इसे देखने के लिए हमें इंटरनेट की जरूरत होती है। जब हम कोई मूवी या वेब सीरीज देख रहे होते हैं, एक SMS आता है, आप 90% डाटा यूज कर चुके हैं। ऐसे में हमें बहुत बुरा लगता है और कुछ समय तो ऐसा होता है वीडियो रुक रुक कर चलता है, बहुत ज्यादा बफरिंग करता है। ऐसे में हमारा सारे मजे चला जाता है। अब ऐसा नहीं होगा, अब आपको मोबाइल में वीडियो देखने के लिए इंटरनेट की जरूरत नहीं पड़ेगा। अब आप बिना डाटा खर्च किए दिन भर फिल्म और वीडियो देखने का मजा ले सकते। आपको क्या लग रहा है, क्या ऐसा हो सकता है? हाँ, ऐसा हो सकता है D2M टेक्नोलॉजी के माध्यम से। D2M टेक्नोलॉजी आखिर है क्या, ये कैसे काम करता है, जानेंगे इसी वीडियो में। हेलो दोस्तों, आप देख रहे डिफेक्ट हिंदी। अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए ऐसे ही फैक्ट एंड इन्फॉर्मेशन के लिए। D2M टेक्नोलॉजी ऐसा एक टेक्नोलॉजी जिसके वजह से इंटरनेट के बिना हम मोबाइल से YouTube वीडियो, Netflix, Amazon Prime सभी OTT प्लेटफॉर्म से वीडियो देख सकते हैं। ये टेक्नोलॉजी आने वाले दिनों में दुनिया को पूरी तरह बदल देगा। आज हम इंटरनेट की एडिक्टेड हो चुके हैं, ये कहना गलत नहीं होगा। जब हम इंटरेस्टिंग वीडियो देख रहे होते हैं, उसके बीच जब बफरिंग होता है और डाटा ओवर का मैसेज आता है, तब सभी इंटरेस्टिंग में पानी फिर जाता है। इसी प्रॉब्लम को सुलझाने के लिए भारत सरकार D2M टेक्नोलॉजी के ऊपर काम कर रहे हैं। जिस तरह D2H टेक्नोलॉजी होता है, इसी तरह यह टेक्नोलॉजी भी काम करेगी। D2H यानी कि डायरेक्ट टू होम सर्विस में, जैसे हम DISH TV लगाकर बिना कोई इंटरनेट देख पा रहे हैं, उसी तरह D2M टेक्नोलॉजी में डायरेक्ट टू मोबाइल सर्विस होगी। इसमें मोबाइल पर विदाउट इंटरनेट सभी प्रकार के OTT प्लेटफॉर्म कंटेंट की यूट्यूब वीडियो देख सकते हैं। DTH और D2M टेक्नोलॉजी कैसे काम करता है, आइए विस्तार रूप से समझते हैं। आप सभी को वो दिन याद होगा जब कि ऐसा कोई टेक्नोलॉजी नहीं था लोगों को एंटरटेन करने के लिए। लोगों को एंटरटेन करने के लिए एकमात्र जरिया था रेडियो। उसी टाइम न्यूज और एंटरटेनमेंट के लिए रेडियो था। टेक्नोलॉजी के बदलाव के कारण फिर आया TV का जमाना। जब TV का जमाना आया, लोगों को बहुत पसंद आया। टेक्नोलॉजी के इवोल्यूशन के कारण कोई भी टेक्नोलॉजी ज्यादा देर न्यू नहीं रहती है। देखते देखते ये सारी टेक्नोलॉजी छोटी सी मोबाइल के अंदर समेटा जा रहा है। आने वाले दिनों में और भी एडवांस टेक्नोलॉजी आने वाला है, जिसे कि हम मोबाइल में बहुत कुछ कर सकते हैं। इनमें से एक D2M टेक्नोलॉजी होगा जो कि इंटरनेट को मात दे सकता है। बिना कोई इंटरनेट की सभी OTT प्लेटफॉर्म को एक्सेस कर पाएंगे। DOT डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन, देश का पब्लिक सेक्टर ब्रॉडकास्टर प्रसार भारत इस पर काम कर रहे हैं। DOT ने पिछले साल इसी टेक्नोलॉजी को टेस्ट करने के लिए IIT कानपुर से मिलकर कोलैबोरेट किया है। जिस तरह हम फोन में FM रेडियो सुनते हैं, फोन के अंदर लगाया गया सिग्नल रिसीवर रेडियो सिग्नल में कन्वर्ट कर देता है, जैसे कि एक ही फोन में कई तरह FM चैनल सुन सकते हैं। मल्टीमीडिया कंटेंट को भी D2M टेक्नोलॉजी के मदद से ब्रॉडकास्ट किया जाएगा। ये टेक्नोलॉजी ब्रॉडकास्ट और ब्रॉडबैंड को मिलाकर बनेगी। ये टेक्नोलॉजी में बहुत ही एडवांस सैटेलाइट का इस्तेमाल किया जाएगा। इस टेक्नोलॉजी के कारण फोन में सीधे लाइव न्यूज, स्पोर्ट्स को ब्रॉडकास्ट किया जा सकेगा बिना किसी इंटरनेट के। सभी प्रकार मल्टीमीडिया कंटेंट को हम देख पाएंगे बिना कोई बफरिंग के। इस टेक्नोलॉजी के वजह से फेक न्यूज रोकने, इमरजेंसी अलर्ट करने में मदद करेगा। यह सिस्टम सैटेलाइट से कंट्रोल होगा। जब इंटरनेट नहीं भी होगा तो न्यूज, इमरजेंसी अलर्ट और दूसरे कंटेंट को भी देख पाएंगे। D2M टेक्नोलॉजी मोबाइल कंज्यूमर की दुनिया बदल देगा। ये टेक्नोलॉजी पूरी तरह सक्सेसफुल रहा तो ये टेक्नोलॉजी को एक्सेस करने के लिए इंटरनेट की तुलना में बहुत कम कीमत देने पड़ेंगे। ये टेक्नोलॉजी को मोबाइल में लाने के लिए मोबाइल कंपनियों को मोबाइल को अपग्रेड करना पड़ेगा। ये टेक्नोलॉजी की सिग्नल को रिसीव करने के लिए मोबाइल में सिग्नल रिसीवर लगाना पड़ेगा। अब तक इंटरनेट जिस एरिया में भी नहीं पहुंचा है, इस एरिया में भी लोग बिना कोई दिक्कत की कंटेंट देख पाएंगे। आप सोच रहे हैं कि ये कैसा हो सकता है? जैसे DISH TV की मदद से गांव में लोग बिना कोई दिक्कत ये क्लियरली TV देख रहे हैं, इसी तरह D2M टेक्नोलॉजी की मदद से मोबाइल में भी बिना कोई परेशानी है कंटेंट देख पाएंगे। इसका सबसे बड़ा फायदा टेलीकॉम कंपनी को होगा। D2M टेक्नोलॉजी से वीडियो ट्रैफिक को सीधे मोबाइल नेटवर्क के ब्रॉडकास्ट नेटवर्क पर ट्रांसफर किया जाएगा। इससे यह होगा कि मोबाइल स्पेक्ट्रम को बचाने में मदद मिलेगी। मोबाइल स्पेक्ट्रम उपयोग में सुधार होगा। बैंडविड्थ पर प्रेशर कम हो जाएगा जो कि वीडियो देखने में होती थी। बैंडविड्थ पर प्रेशर घटने से होगा यह कि कॉल ड्रॉप की जो प्रॉब्लम होती थी वो नहीं होगा और भी अच्छे से काम करेगा और इंटरनेट की स्पीड बढ़ने लगेगी। इसका बहुत बड़ा फायदा कंटेंट क्रिएटर को होगा जो कि यूट्यूब, इंस्टाग्राम पर कंटेंट क्रिएट करते हैं। आज तक 20 करोड़ लोगों तक ब्रॉडकास्ट पहुंचा है। D2M यानी कि डायरेक्ट टू मोबाइल होने पर, घर में TV नहीं होने पर भी लोग ब्रॉडकास्ट देख पाएंगे मोबाइल के माध्यम से। लोग ऑफिस सिस्टम में ही इंटरनेट यूज करते थे, लेकिन आज हमारा देश की एक्टिव इंटरनेट यूजर 45% है जो कि यूज करते हैं।
मोबाइल आने के बाद इंटरनेट यूजर बढ़ गए हैं। अभी भी 55% लोगों के पास मोबाइल और इंटरनेट नहीं पहुंचा है। आने वाले दिनों में मोबाइल यूजर बढ़ेगा। लोग उस टाइम बिना कोई इंटरनेट की भी वीडियो कंटेंट को देख रहे होंगे। ये तभी पॉसिबल होगा जब D2M टेक्नोलॉजी पूरी तरह सफल हो जाएगा। ये टेक्नोलॉजी को लेकर आप कितना इंटरेस्ट है कमेंट करके बताना। ये टेक्नोलॉजी आने से देश में बहुत बड़ा क्रांति ला सकता है। आपको क्या लग रहा है कमेंट करके बताना। अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करना मत भूलना, ऐसे ही इंटरेस्टिंग फैक्ट एंड इन्फॉर्मेशन के लिए। सो दैट इज इट फॉर टुडे फ्रेंड्स, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में।